अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी आज अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं। लखनऊ से दोपहर 12 बजे सीएम अयोध्या पहुंचेंगे। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय में नवनिर्मित पशु चिकित्सा केंद्र का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कृषि मेला और प्रदर्शनी का भी वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 40 परियोजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम। सीएम अयोध्या के बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और यहीं पर ही रात्रि विश्राम भी उनका रहेगा। तो सुबह से लेकर शाम तक क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है, अनुभव शुक्ला से इस पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव बताइएगा, आज दिन के जितने कार्यक्रम हैं उनमें सबसे बड़ा कार्यक्रम है अयोध्या दौरा, और वहां पर किस तरह की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी? देखिए, बिल्कुल, एक तरफ तो किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम रखा गया है, ये आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है अयोध्या में, वहां पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। और तकरीबन 40 परियोजनाएं हैं 90 करोड़ की, और इनमें 10 परियोजनाओं का तो लोकार्पण करेंगे, जिनकी टोटल कॉस्ट अगर हम कहें तो वो तकरीबन 34 करोड़ है, और 10 का शिलान्यास करेंगे वो 25 करोड़ की है। इसके अलावा 20 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी आज से शुरुआत हो जाएगी। जो पशु चिकित्सा केंद्र वहां बनाया जा रहा है, एक हम कहें तो बिल्कुल नए तरीके का पशु चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है, और ये भी किसानों को एक सौगात होगी। लेकिन आज तक अगर हम बात करें, जिस तरीके का आज ये पूरा वेदर है, डेंस फॉग है पूरा, हम लखनऊ अयोध्या हाईवे पर है और आप देखिए इतना डेंस फॉग है, राजधानी लखनऊ भी यार कोहरे से ढकी हुई है, और ऐसे में विजिबिलिटी की समस्या है। यानी अगर ठीक विजिबिलिटी नहीं होगी तो हेलीकॉप्टर से चूंकि मुख्यमंत्री को जाना है तो वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में एक ऑप्शन ये भी रखा गया है कि हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करें, शुभारंभ करें, क्योंकि बहुत डेंस फॉग है आज और टेम्परेचर भी बहुत लो है, पूरे शीतलहर की चपेट में है अगर हम कहें तो लखनऊ और आसपास के जो जिले हैं। तो ऐसे में अगर कोई दिक्कत होगी विजिबिलिटी में, तब जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर से जाना मुश्किल होगा, और ऐसे में एक ऑप्शन ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल, आपने हमें ताजा तस्वीर भी दिखाई अनुभव, लखनऊ में किस कदर कोहरा पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में अभी कोहरा तो नहीं है, लेकिन शीतलहर की चपेट में लगभग पूरा उत्तर भारत है। यूपी में भी शीतलहर चल रही है और उसका असर कहीं सीएम के कार्यक्रम पर ना पड़ जाए, तो उसके लिए विकल्प रखा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ये शिलान्यास सीएम कर सकते हैं अगर विजिबिलिटी सही नहीं हुई तो। बहुत शुक्रिया अनुभव, आप नजर बनाए रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।